नमस्कार दोस्तों, टैग गुरु मास्टर में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का एक तरीका बताएंगे जो बहुत ही आसान है, आप जल्दी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। लगभग सभी रेजिस्टेंस में सिल्वर और गोल्डन कलर कॉमन मिलेगा, या तो सिल्वर होगा उसमें या गोल्डन होगा। कलर कोड जो है वो इस प्रकार है, ब्लैक की वैल्यू 0, ब्राउन की 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3, येलो की 4, ग्रीन की 5, ब्लू की 6, वायलेट की 7, ग्रे की 8 और वाइट की 9। इस तरह से 0 से लेकर 9 तक ये वैल्यू है कलर की, अलग अलग कलर की अलग अलग वैल्यू है। तो जिस तरफ भी गोल्डन या सिल्वर कलर होगा उसके दूसरी तरफ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। यानी कि जिस तरफ गोल्डन है उसके दूसरी तरफ जो कलर होगा वो पहला अंक होगा। यानी कि एग्जांपल के तौर पर ये हमारी एक रेजिस्टेंस है और इसका कलर कोड है रेड, रेड, येलो और गोल्डन। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है रेड, रेड, येलो और गोल्डन। तो हम गोल्डन के विपरीत दिशा रेड से शुरू करते हैं वैल्यू नापना। तो रेड की वैल्यू 2, दूसरे रेड की वैल्यू 2 और तीसरे कलर येलो की वैल्यू 4 और फिर गोल्डन। तो इसका मतलब जो हमारी ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हो गई 220,000 ओम। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलो ओम में, 1,000 ओम बराबर 1 किलो ओम। तो हम 220,000 को हम 1,000 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 220 किलो ओम हो जाएगा। इसमें जो फार्मूला है वो ये है, पहले दो रंगों के हम उतने ही वैल्यू लिखेंगे जितनी उनकी है और जो तीसरा कलर है उसकी जितनी भी वैल्यू है हम उसकी उतनी ही जीरो लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा फार्मूला काम करता है। इसका एक अपवाद भी है, अगर रेजिस्टेंस के आखिरी में ब्लैक कलर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको हम किसी भी गिनती में नहीं गिनेंगे। ये इसका एक अपवाद है। तो इस प्रकार आपने देखा रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे निकलते हैं कलर कोड के द्वारा। तो इस तरह से आप ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और बस इसको आप ये कलर कोड अच्छी तरह से याद करिए और ये दो तीन ही फार्मूले इसके, कि पहला फार्मूला हम दोबारा याद करा देते हैं आपको कि जो गोल्डन या सिल्वर कलर होगा उसकी विपरीत दिशा से हम वैल्यू चेक करते हैं। पहले दो कलर की उतनी ही अंक लिखेंगे और जो तीसरा कलर होगा उसकी उतनी ही जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारी वैल्यू निकल जाएगी ओम में। फिर हम उसको 1,000 से भाग कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू किलो ओम में हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कुछ भी और आपको और भी कुछ पूछना है तो वो ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर समझाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।